आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं सुबह सुबह इतना सज धज के रेडी हो गई हूँ, दरवाजे पे बंद दरबार लग रहा है, पूजा हो रहा है। एक्चुअली में आज है बंगाली न्यू ईयर, जिसको हम लोग पहला बैशाख बोल के सेलिब्रेट करते हैं। तो शुभ नव वर्ष टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, और आप लोगों का भी न्यू ईयर बहुत अच्छे से स्टार्ट। ये जो न्यू ईयर होता है, ये जो बंगाली न्यू ईयर होता है, ये बंगालीज थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैक्सिमम जो हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर वाला न्यू ईयर जो 1 जनवरी होता है, उस टाइम पे हम लोग मैक्सिमम पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बंगाली न्यू ईयर जो है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घर में पूजा करते हैं, थोड़ा सा घर में ही रहते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम लोग सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। हाँ, जिन लोगों का भी ना थोड़ा सा बिजनेस हो, छोटा सा भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दुकान ही होना चाहिए, लेकिन अगर जिन भी बंगाली का छोटा सा भी अगर दुकान है, तो वो लोग आज बहुत अच्छे से दुकान में पूजा करके नया हाल खाता बोला जाता है, जो वो एक होता है ना रेड कलर का बड़ा सा बुक जिसमें सारे हिसाब लिखा जाता है, उसे बंगाली में हाल खाता बोला जाता है। पुराना जो हाल खाता है उसको हटा के नया, आज से वो लोग नया हाल खाता यूज करना स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से वो लोग दुकान में पूजा करते हैं। मैं जब छोटी थी आसनसोल में, तो हम लोगों के वहाँ पे बहुत मिठाई का डब्बा आता था, बहुत सारी दुकान है, जान पहचान वाले है, अगल बगल में जितने भी गोलदारी का भी दुकान होता है ना, मतलब ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से भी मिठाई का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक ये सब आता था घर पे। जैसे अगर कोई दुकान गया तो वहीं पे उन लोगों को मिलता है, और अगर दुकान में नहीं गए हो लेकिन आप रेगुलर कस्टमर हो, तो घर पे बहुत जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन मुझे पहचानता है कि मिठाई का पैकेट भेजेगा। लेकिन हाँ, मैं खुद आज सुबह सुबह उठ के पहले पूजा कर ली, इसीलिए थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोलने में लेट हो गया, क्योंकि मैं सोची पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा का काम सबसे बड़ा काम है, सुबह सुबह अगर पूजा सही से हो जाए तो फिर बाकी काम तो होता ही रहेगा ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा स्वेट स्वेट हो रहा है। और ये वाला जो साड़ी है, ये एकदम लिनन कॉटन का साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, और मैं कुछ बंगाली बंगाली आज लग रही हूँ ना, साखा वाला भी पहन ली हूँ। तो अभी ना बहुत सारा लंच बनाना है, तो ज़्यादा बकबक करके टाइम वेस्ट करने से नहीं चलेगा, आज प्योर बंगाली फूड बनेगा मेरे घर पे। आज सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं पूड़ी, चना दाल और खीर बनाई थी। खीर मैं कल रात को ही बना के रखी थी, और जब हम लोग चना दाल पूड़ी के साथ खाते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा सा चना दाल को हम लोग मीठा करके बनाते हैं। अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी। तो लंच में मैं 2 ही पोटल बनाऊंगी। परवल को कुछ इस तरीके से काट लेना चाहिए, दो तरीके मतलब दोनों साइड से, इससे क्या होगा, मसाले का पूरा फ्लेवर परवल के अंदर तक जाएगा। अब यहाँ पे परवल को बहुत अच्छे से नमक और हल्दी से मैरिनेट कर ली मैं। अब बंगाली फूड है तो ऑब्वियसली ये हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले परवल को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी तेल में तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला का फोड़न लगा देंगे, और उसमें हम लोग डाल देंगे ऑनियन पेस्ट। ऑनियन पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए, फिर सारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ, सारे मसाले को बहुत अच्छे से
यहाँ पे एक एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था, मेरा कैमरा का चार्ज खत्म हो चुका था, इसलिए मैं बाकी ठीक से सूट नहीं कर पाई हूँ। तो सारे मसाले को फ्राई करने के बाद आप दही ऐड कर दीजिएगा, फिर परवल, देखिएगा ग्रेवी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। अब सेकंड जो डिश है वो है आलू पोस्तो। अब पोस्तो के बिना बंगाली थाली कभी कम्प्लीट नहीं हो सकता है। तो ये भी सरसों का तेल में मैं थोड़ा सा काला जीरा का फोड़ंग लगा के आलू को दे दी। आलू को हल्का सा फ्राई करने के बाद नमक हल्दी दे के उसको फिर से थोड़ा सा फ्राई की। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, उस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर पानी ऐड करने के बाद वेट कर लीजिएगा जब तक ना आपका आलू बहुत अच्छे से एकदम बॉईल हो जाए। आलू जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे पोस्तो बाटा। पोस्तो बाटा में आप चाहो तो थोड़ा सा गार्लिक और एक ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कर लीजिए। और सर्व करने के टाइम पे ऊपर से दो या तीन आप ग्रीन चिली को ऐसे स्लिट करके दे सकते हो, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और सर्व करने के टाइम पे देखने में भी अच्छा लगता है। ये बंगाली न्यू ईयर में बस इस तरीके का कपड़े खरीदा जाता है जो एकदम की सॉफ्ट हो, कॉटन का हो, जो पहन के बहुत आराम मिले। मैं मेरे लिए जैसे ये कॉटन का साड़ी ली हूँ, उसी तरीके से बच्चों के लिए ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा गंजी है, ये है एक लेगिंग्स लाई के लिए, रिशू के लिए भी एकदम सॉफ्ट है। ये शायद मैंने पैटर्न से लिया था, है आशी उन्हें पैंटालून से ही मैक से लिया है। जब 1 जनवरी वाला न्यू ईयर्स में हम लोग एकदम झक्कास वाला कुछ ड्रेस खरीदते हैं ना पार्टी के लिए, और उतना ही प्लेन हम लोग खरीदते हैं नव वर्षों के लिए, कि कंफर्ट फर्स्ट उसके बाद कुछ और है आसी। उसको एकदम बोनलेस चिकन ही मैं देती हूँ क्योंकि पता नहीं हड्डी वड्डी इनका ले भी लगा ले या क्या कर ले। ऐसे ना गर्मी के वजह से कैंडी ठीक से खाना एकदम नहीं खा रही है। फिर थोड़ा सा फ्रूट्स मतलब बनाना, एप्पल, क्यूकम्बर, कैंडी यही सब खा रही है, दही और सॉलिड जो फूड है एकदम नहीं खा रही है। ऊपर से कैंडी अपना जो उन लोगों का जो डॉग फूड आता है, जो मतलब मैं तो उसके लिए रॉयल कैनिन लाती हूँ, वो भी नहीं खा रही है। वो तो सूंघ के निकल जा रही है, एकदम मुंह भी नहीं लगा रही है उसमें। और इधर और क्या कुछ नहीं खा रही है, कुछ नहीं। और ये नहीं खा रही है ना इस वजह से थोड़ा सा ना मतलब सूख गई है, बहुत ही दुबली पतली सी लग रही है, लग रहा है कि उसके माँ बाप ने खाना ही नहीं दिया है। लेकिन पता नहीं मुझे सारे डॉग्स क्या ऐसा करते हैं या फिर पर्टिकुलर कैंडी ही ऐसी करती है। इसमें खाने में इंटरेस्ट नहीं है, नॉन वेज में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ फ्रूट्स, एप्पल, कर्ड ये सब दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुकुल बोल रहे थे कि आज मटन लाएंगे, लेकिन मटन की दुकान में इतना लंबा लाइन था कि गर्मी में कौन खड़ा रहे, इसलिए वो मटन नहीं लाया। ऐसे अच्छा ही हुआ, प्रॉन बनेगा फिर मटन, फिर ना ज़्यादा हो जाता है। तो अब लग रहा है जल्दी से एसी ऑन करके आराम से बैठूं मैं। बस ये भी पॉन्च फिश बन, पनीर जैसे बहुत इजीली बन जाता है ना फट से, ऐसे फिश भी बहुत इजी और जल्दी बन जाता है, इसको बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। आज मैंने आप लोगों के साथ प्रॉन का रेसिपी शेयर नहीं किया है, ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारे प्रॉन्स की रेसिपीज है, आप चाहो तो देख सकते हो। गुड फ्राइडे चार्ट स्टार्ट होएगा छ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে খালি বানানা কুকুম্বারি এখন তারা ভাত দিব।
तो ये एकदम प्योर बंगाली थाली रेडी है। यहाँ से अगर मैं प्रॉन को हटा देती हूँ तो ये एकदम प्योर वेज थाली हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। छाना डालना मैं सोची थी बनाऊंगी, लेकिन यही सब बनाते बनाते इतना लेट हो गया कि और वो नहीं बना पाई। क्या क्या है, ये राइस, ये दोई पोटल, ये है आलू पोस्तो, साग भाजा, बैगन भाजा, ये भिंडी आलू का भाजा, और ये प्रॉन मलाई करी। इसका रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे चैनल में मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये है प्योर वेज मूंग दाल, बंगाली उसका बहुत ज़्यादा पसंदीदा, थोड़ा सा सलाद एंड लेमन। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है मिष्टी दोई। मैं एकदम भूल गई, एकदम मेरे दिमाग से निकल चुका। अभी जब मैं थाली सजा रही थी उस टाइम पे मुझे याद आया कि मिष्टी दही नहीं है। कोई बात नहीं। और एक चीज़ है, मैंगो चटनी, कांसा, कोई भी चटनी हो, कांसा पीतल के बर्तन में नहीं सर्व किया जाता है, नहीं तो बर्तन काला हो जाता है, तो इसलिए इसको कांच के बाउल में मैंने सर्व किया है। अभी हम चारों पहले आराम से खाना खा लेंगे लंच करके। इतना हेवी सा लंच के बाद तो नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि और हम आज सारे लोग हम लोग बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे, तो थोड़ा सा सो लेंगे। सोने के बाद एक वीडियो एडिट करूँगी सोच रही हूँ, फिर देखते हैं इवनिंग में क्या होता है। कुछ कहीं बाहर जाने का तो कुछ है नहीं क्योंकि मुकुल का ऑफिस है। फिलहाल में हम लोग खा लेते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत, आपको पता चला इतना खाना बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा सा कमर दर्द हो रहा है, अब रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मम्मा पापा सिस्टर लागे ना, तले जा, चलो जा, तू उठाई जाबी पगला बाबा के पीछे बंदूक छुड़े मेरे छे काकी हैं काकी मेरे चाहिए ना ना এইটা তো একটা রাইম, পাগলা বাবা খেপেছে বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে, ও মাম্মা পাগল বাবা, হাসছে তো ইমা, বাবার পেন্সিল আর বাবার ইয়ে তো গ্রিন গ্রিন, সেম সেম কালার, তোমার দুষ্টু ছেলে এটা না তো আমার ভালো নাই কি তুমি তো বুঝছো, এটা মুখে নিয়েছো মুখে লেগে যাবে, আর বিদ্যা আছে যা, এবার কি আমরা সবাই তো রেখে খাবো। इतना ज्यादा गर्मी है कि हम लोग चाय के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आम पन्ना बनाई चारों लोगों के लिए। खाना बचा हुआ है और सुबह का पूरा खाना बचा हुआ है, राइस भी बहुत है, थोड़ा सा आटा गूंद के रोटी बना लेने से हो जाएगा। तो अभी रात का खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है मुझे, हम लोग थोड़ा छत पे जाएंगे ना राइस। और इसे देखिए, छत पे जाने के लिए हमसे पहले ये रेडी होके खड़ी हुई है, वेट कर रही है कि कब सब सारे लोग आए और ये छत पे जाए। सब लोगों का डिनर हो चुका है, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है,
लेकिन मैं आराम से थोड़ा सा खीर खाऊंगी। खीर ना मैं वो एकदम भरा पेट नहीं खा सकती, मुझे खीर एकदम खाली पेट में, कोई खीर नहीं, कोई भी मीठा मैं एकदम भर पेट नहीं खा सकती। मुझे थोड़ा आराम से और वो भी एकदम ठंडा सा खाना पसंद है। तो पता है इसमें बहुत सारा कैलोरी है, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा वेट गेन कर चुकी हूँ और वेट गेन होगा, लेकिन ठीक है, कभी कभार चलता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा नव वर्ष गुजरा और आशा करते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा हो। भगवान सभी को गुड हेल्थ से ब्लेस करें। और इसी के साथ मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। बाय, गुड नाइट।